वेलकम बैक टू माय चैनल एम पी ब्लॉगर धनवी और मैं हूँ स्वाति। तो गाइस कैसे आप लोग सब, उम्मीद करती कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है होली, तो मेरे सभी फ्रेंड्स को हैप्पी होली। और आज की जो डेट है वो है 10 मार्च, हाँ 10 मार्च, और दिन जो है ट्यूसडे है। तो मैं है ना डेट भूल जाती हूँ और दिन भी मुझे याद नहीं रहता, इसलिए थोड़ा मैंने सोचा कि हाँ कंफर्म किया है कि नहीं। तो आज की जो डेट है वो 10 है। तो अभी है इवनिंग का टाइम और अभी बज चुके हैं 5:30। तो अभी मैं बनाऊंगी चाय, क्योंकि अभी जो सो रही है और अभी मेरा चाय पीने का भी बहुत मन कर रहा है इसीलिए। और आज है होली, तो आज हमारे यहाँ पर बनेगा नॉनवेज, क्योंकि हमारे इधर ऐसा होता है होली के जो मतलब होली का जो दिन होता है ना, उस दिन जैसे कलर वगैरह खेलते हैं उस दिन हमारे यहाँ पर नॉनवेज बनता है। तो आज हम लोग भी नॉनवेज बनाने वाले हैं। और आप लोगों ने होली कैसे खेली है? कोरोना वायरस के कारण बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने होली नहीं खेली होगी, पर हम लोग के यहाँ पर मतलब हम लोगों ने जो है होली को एंजॉय किया बहुत अच्छे से। और मैंने भी इस बार जो है बहुत अच्छे से मतलब कलर खेला है, पर इशू कारण ज़्यादा नहीं खेल पाई क्योंकि मैं घर पर ही थी और जो भी मतलब फ्रेंड्स थी, भाभी और दीदी लोग, वो आई थी यहाँ पर कलर लगाने, तो मैंने घर पर ही खेला है। बस मैं जो मेरा ब्लॉक है वहाँ पर गई थी अंकल जी आंटी को जैसे टीका वगैरह लगाने के लिए थोड़ा सा, नहीं तो मैं बाहर नहीं गई हूँ। पर जो भी मतलब जैसे मेरे हस्बैंड है और जो भी मेरी फ्रेंड्स है, तो उन्होंने बहुत अच्छे से इंजॉय किया है, बस मैं इशू कर इंजॉय नहीं किया है। और आप लोगों की होली कैसी रही है? आप लोग की तो होली अच्छी रही होगी ना, शायद हो सक मतलब अच्छी रही भी होगी नहीं भी होगी, क्योंकि कोरोना वायरस ने बहुत ज़्यादा लोगों को जो है डरा दिया है, तो हो सकता अच्छी नहीं रही होगी। तो अभी मैं जा रही हूँ किचन में क्योंकि मुझे चाय बनाना है, तो मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से चाय बना लेती हूँ। और आपको अंधेरा दिख रहा होगा, वहाँ पर लाइट नहीं थी, तो मैं भी चाय बना लेती हूँ। ईशू सो रही है और ईशू सो रही है तो चाय बना लेती हूँ। और जो मसाला है, देखिए मैंने जो है ना नॉनवेज बनने वाला है, तो लहसुन और प्याज और अदरक वगैरह भी मतलब छिलके रखूँगी, छिला नहीं है अभी, छिलूँगी और फिर जो है मसाला पीसूँगी। तो प्याज को जो है मुझे भूंजना है, तो इसीलिए मैंने अभी है ना काट के रखा है। तो मैं सोच रही थी थोड़ी देर से ना पहले चाय बनाती हूँ या फिर चाय बना के साथ ही इसको जो है मसाले को मैं ये कर लूँगी, और नहीं तो ईशू के पास जैसे मैं ईशू उठ जाएगी और मैं जैसे किचन में आती हूँ आती है और मैं कपड़े खींचती है कि मुझे गोदी में ले लो मुझे देखना है, तो ईशू के साथ है ना एक तो बैठे रहना पड़ता है फिर खेलना पड़ता है, उसके साथ है ना खाना वगैरह बनाना या फिर कुछ भी करना नहीं होता है। तो अभी यहाँ पर मेरी जो चाय है वो बन चुकी है और यहाँ पर मैं कर रही हूँ मसाला तैयार। इसमें मैंने डाला है प्याज, मिर्ची, जीरा और टमाटर। तो ये जो है ना नॉनवेज के लिए बना रही हूँ मैं, क्योंकि आज हमारे यहाँ स्पेशल बनता है होली में, तो इसे अभी मैं बना लेती हूँ और चाय है वो पी लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। इतनी सारी बन गई, जबकि मैं इतनी नहीं पीती हूँ, बस आधा कप पीती हूँ। चाय पीना मुझे अच्छा नहीं लगता है और वैसे भी अभी गर्मी के दिन आ गए हैं ना, तो गर्मी में तो बिल्कुल भी चाय पीने का मन नहीं करता है, पर अभी मेरा मन कर रहा था क्योंकि इतनी गर्मी आई नहीं है ना इसीलिए। और देखिए जो मेरे हेयर है ना कितने ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा रफ हो चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मेरे जो बालों में इतना सारा मतलब गुलाल डाल दिया था, बहुत ही सारा मतलब दीदी लोग आई थी, भाभी दीदी मतलब मैं दीदी बोलती हूँ, भाभी बोलती हूँ, कुछ भी बोलती हूँ, तो वो लोग आए थे ना, तो उन्होंने पता है मुझे इतना सारा कलर लगे, इतना सारा, बोले तुम अकेली बच्ची हो तुमको तो बहुत सारा कलर लगाएंगे। उन्होंने कहा था कि ईशू को दे दो बोले भैया के पास, तो मैंने ईशू के पापा के पास दे दिया था, फिर उन्होंने इतना कलर लगाया मुझे, बहुत सारा लगा लिया था, तो उन्होंने जो है ना मेरे बालों में भी डाला था, तो जो बाल ना बहुत ही ज़्यादा रफ हो गए क्योंकि मैंने जो शैम्पू से नहीं किए हैं वॉश इसीलिए। और तो बस वही, तो उन्होंने पता है और भी बुलाया था मुझे कलर खेलने के लिए, पर मैं गई नहीं क्योंकि इशू थी, तो मैंने कहा नहीं जाती हूँ और मुझे खाना भी बनाना था, भूख भी लगी थी, तो इसलिए मैं गई नहीं। तो आ जाइए चाय पीने के लिए, जल्दी से मैं चाय पी लेती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स अभी आ गई हूँ मैं किचन में और अभी कर रही हूँ मैं डिनर की तैयारी। तो डिनर में बना रही हूँ आज नॉनवेज, और पता नहीं यार मुझे ये नहीं पता कि नॉनवेज क्यों बनाते हैं, जिस दिन कलर खेलते हैं ना तो उस दिन है ना हमारे यहाँ पर जैसे हमारे साइड नॉनवेज बनाते हैं, पर किस कारण बनाते हैं, रीज़न क्या है मुझे ये नहीं पता। मतलब हमारा जो एरिया है इधर साइड मतलब देखा है मैंने
कि सभी लोग जो खाते हैं तो वो है ना, जैसे जिस दिन कलर वगैरह खेलते हैं ना, उस दिन नॉनवेज खाती है, ऐसा होता है। तो इसलिए हम लोग भी यहाँ पर है ना नॉनवेज बना रहे हैं। और वैसे मन नहीं था, हमने सोचा था कि नहीं बनाएंगे, क्योंकि संडे को ही खाया था हमने नॉनवेज। फिर ऐसा होता है ना यार कि जब सब खाते हैं और हम लोग जब नॉनवेज खाने वाले हैं तो मन भी करता है खाने का। तो वैसे तो मैंने उनको कहा था, मेरे हस्बैंड को, कि आप चिकन लेकर आना, पर वही ना अभी कोरोना वायरस चालू है तो बोले नहीं चिकन नहीं खाते हैं, शायद उससे बीमारी हो जाए, इसलिए फिर चिकन नहीं बुलाया। नहीं तो मेरा मन था चिकन खाने का, बहुत दिन हो गए मैंने चिकन नहीं खाया, मटन तो हमेशा ही खाती हूँ, बोर हो गई हूँ खा खा के। तो यहाँ पर मैंने जो है बनाने की तैयारी कर दी है, और मैंने बहुत जल्दी तैयारी कर ली थी, क्योंकि जो पकने में टाइम लगता है और बॉईल करके नहीं बनाते, उसका जो टेस्ट हो ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता है, इसीलिए मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो इसमें जो है मैंने जो खड़े मसाले हैं वो मैंने ऐड कर लिए थे, और जैसे तेज़पत्ता, लौंग, इलायची और काली मिर्च वगैरह, ये सब कुछ मैंने ऐड किया था। लौंग भी डालती हूँ, इलायची भी। हाँ, इलायची से जो है मुझे टेस्ट अच्छा आता है, इसलिए मैं ना इलायची डालती हूँ और लौंग भी डालती हूँ, मुझे अच्छा लगता है टेस्ट में। मुझे ऐसा लगता है कि लौंग और इलायची जैसे अलग से डालो खड़े मसाले में तो वो टेस्ट है ना उसका अच्छा आता है। तो फिर मैंने ये जो है ना गार्लिक, मतलब जो लहसुन अदरक और प्याज मिर्ची टमाटर सबका पेस्ट जो है मैंने एक साथ ही बना लिया था और मैंने डाल दिया था इसमें। और इसमें फिर अभी मैं डाल रही हूँ रेड मिर्च। तो रेड मिर्च है जो है मैं ज़्यादा खाती हूँ, क्योंकि हम मराठी, ये सुना ही होगा कि जो मराठी लोग होते हैं वो ज़्यादा तीखा खाना खाते हैं। तो हम लोग जो स्पेशली जो नॉनवेज बनता है ना वो तो ज़्यादा ही तीखा, मतलब कि अच्छा लगे खाने में, इतना तीखा खाते शायद अगर कोई हमारे घर का, जैसे जो तीखा नहीं खाते अगर वो खाएंगे ना तो बिल्कुल वो तो खा ही नहीं पाएंगे, जैसे कोई खा ही नहीं पाएगा। जैसे जो लोग नहीं खाते ना, हम लोग इतना तीखा खाते हैं और बहुत पसंद है तीखा खाना, बचपन से ही आदत है हम लोगों को। तो यहाँ पर जो है ये मसाला जो है ना पक चुका था, तो इसमें मैंने जो मिर्ची वगैरह वो तो डाल दी थी, फिर ये जो, और फिर थोड़ा सा इसमें है ना मैंने पानी डाल दिया है, कि मसाला जो है अगर कच्चा रहा, मतलब कच्चा रहता है, कभी ऐसा हो जाता है मेरे हाथ से कि एक दो बार है ना कच्चा रहा है, क्योंकि मुझे उतना समझ में नहीं आता था कि मसाले को जो है कैसा पकाना है कैसा नहीं, पर अब मुझे समझ में आने लगा है। तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसे है ना अच्छे से पकने दिया, ऐसा होता था मेरे हाथ से है ना कच्चा रह जाता था, और मुझे समझ में नहीं आता था कि वो कच्चा है, मुझे ऐसा लगता था कि यार लहसुन ज़्यादा हो गई है, अदरक ज़्यादा हो गया, मुझे ऐसा लगता था। पर मेरे हस्बैंड ने बताया कि कच्चा है, तब मुझे पता चला कि नहीं यार ये मसाला पका नहीं है। तो तब से ना मैं मसाले को बहुत बहुत पकाती हूँ कि कच्चा ना रहे। तो मसाला है वो पक गया था, और इसमें जो है मटन मैंने वॉश करके रख दिया था, और जो है ना मैंने इस बार मैरिनेट करके नहीं बनाया, क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं मैरिनेट कर लूँ। मैंने हस्बैंड ने मुझे ला कर दिया था और फ्रिज में मैंने रख दिया था। तो मटन मैंने डाल दिया था और नमक वगैरह तो सब मैंने मिक्स कर दिया था, मतलब डाल दिया था इसमें। और फिर देखिए ये जो है ना मटन ही डाला था, पानी बिल्कुल भी नहीं डाला था इसमें, तो ये पानी छोड़ा है इसने। तो अभी है ना जैसे जो मटन डालने के बाद मैं आधे से देर तक जो है मैं मटन को ऐसे ऑयल में ऐसे पकने देती हूँ मसाले में, और जैसे आधा पक जाता है जो है पानी छोड़ती हूँ, जो पानी होता है वो गर्म हेलो, वाला छोड़ती हूँ मैं तो इसमें। कल मैं गई थी शॉपिंग के लिए, और कल ये मैंने ना दो कुर्तियाँ लाई हैं, ये लॉन्ग है और एक शॉर्ट है, मैं आपको दिखाती हूँ किस टाइप की है और कैसे लग रही है ये भी बताना। ये देखिए, ये ली है कल, कैसी लग रही है मुझ पर, कैसी लगेगी, फिटिंग करने के लिए डालूंगी फिर पहनूंगी, फिर बताना आप कैसे लग रहा है अभी, क्योंकि समझ में नहीं आएगा। ये मैंने ली थी और एक ये वाली ली है, सॉरी इशू नहीं बेटा, नहीं लो फेंको नहीं, और एक ली, ये ली है और ये ली, ये लॉन्ग है वन पीस, ये ली है। और इसको है मैंने पहन भी लिया था, क्योंकि है ना मुझे मतलब फिट हो रही, बस थोड़ा हल्का से ऐसे लूज हो रहा था और उतना कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, पर इसे भी फिटिंग करने के लिए डालना है। तो ये है सेकंड, कैसे लग रही है दोनों कुर्तियाँ बताना, और ये जो कुर्तियाँ मुझे दिलाई है, और ये तो उनकी ही चॉइस है, क्योंकि जो मेरी चॉइस है ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वो कहती है कि तुम अच्छे मतलब अच्छा नहीं लेती, तो मैंने कहा रहना दो ठीक है आप अपनी पसंद से ले लो, तो ये उनकी पसंद से है, तो आप भी बताना है कैसे लग रही है मेरी कुर्तियाँ। तो अभी मैं डिनर की तैयारी, मतलब आपको दिखा मतलब दिखाया है कि मैं डिनर
डिनर बना रही हूँ और आज नॉनवेज बना रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर होली में नॉनवेज खाते हैं यहाँ पर, तो इसलिए भाई हम जो रूल्स है वही फॉलो कर रहे हैं। और बस अभी रोटी बनाना है तो रोटी बनाती हूँ, और फिर तब तक मेरे हस्बैंड आ जाएंगे, उनके साथ खाना खाएंगे, तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर से, क्योंकि मुझे खाना बनाना है। और देखो ईशु भी है ना, घूम रही है यहाँ पर, एक मिनट दिखाती हूँ। ईशु ईशु ये देखिए ईशु ईशु, ये देखो ईशु को मस्ती करने से फुर्सत नहीं मिलती बिल्कुल भी, है ना ईशु? इधर उधर पूरा घर फैला के रखती, बिल्कुल भी अच्छे से नहीं रखती है। मैं कितने बार जमाती हूँ और ईशु हमेशा ना पूरा खराब कर देते हैं ईशु। फिर ईशु के पापा मुझसे कहते हैं कि तुम अच्छे से नहीं रखती हो, और अब मेरी इसमें गलती है क्या बताना? मेरी गलती है कि ईशु की गलती है? ईशु खराब करके रखती है, मैं तो अच्छे से रखती हूँ, है ना ईशु? हंसी आ रही है, हंसी आ रही है। तो चलिए मैं मिलती हूँ थोड़ी देर से, चलो बाय बोल दो, बाय बोल दो, बाय बोल दो उनसे, इधर आओ, हाँ बाय बोलो। तो चले गए, मिलती हूँ थोड़ी देर से। ये है मेरा जो डिनर है वो कंप्लीट हो गया है, और मैंने बनाया था रोटी, और ये है मटन और चावल। और रोटी है ना अच्छी नहीं बन रही, क्योंकि जो शायद ना हम लोग पिसा के लाते हैं, उन्होंने ना किसी चीज़ पर मतलब दूसरी चीज़ पर पिसा होगा, तो रोटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बन रही, पर खाने में अच्छी लग रही है। तो चलिए हम लोग अभी है ना डिनर कर लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो गाइज मैं फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर, एंटी ब्लॉगर धनवी और स्वाति। तो गाइज मैंने जो कल है ना ब्लॉग की एंडिंग नहीं की थी, और एक मिनट, तो है ना, तो मैंने कल का जो ब्लॉग है वो एंड नहीं किया था, क्योंकि हम लोग कल है ना डिनर करने में बहुत लेट हो गए थे, और फिर से मैंने एंड नहीं किया था। और अभी मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में बता चले सुपर थी, तो आज मैं बना रही हूँ मैगी। ईशु को भी भूख लगी है, ईशु को भी कुछ बना देती हूँ मैं, क्या हो गया? तो मैं चलिए इस जो ब्लॉग की एंडिंग है मैं जल्दी से करती हूँ, तो परेशान कर रही है। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय कर दो, जल्दी से बाय बाय कर दो ईशु, बाय कर दो, इधर बाय बाय कर दो, बाय कर दो, बाय कर दो, करो करो, बाय 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 कर दो, बाय 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 कर दो, बाय कर दो। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।